तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक जो है अनलॉक करने का एक नया स्टेप मिलता है। फिर हमें जो है नेक्स्ट करना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जो है चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर भी हमें नेक्स्ट ही करना है। यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा मसला आता है तो आपने जो है इस तरह से जो है नेक्स्ट नेक्स्ट तीन मरतबा जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें जो डोंट रिमूव एनीथिंग के ऊपर क्लिक करना है। कुछ भी इससे हम जो रिमूव नहीं करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे नाउ क्रिएट अ न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जैसे यहाँ पे जो है एक नया पासवर्ड लगा सकते हैं। आपने ओल्ड वाला पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगाना है, एक नया पासवर्ड लगाना है जो कि पहले कोई भी इसके अंदर जो है आपने पासवर्ड ना लगाया हो। उसके बाद आपने जो है सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब नया पासवर्ड इसके अंदर जो है ऐड हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे जो है एक नया ऑप्शन आता है, मैं आपको जो है आप आगे की सेटिंग चल के जो है यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन शो हो गया है, नाउ योर न्यू लॉगिन डिटेल्स। तो नेक्स्ट पे एंड देन यहाँ पे हमें रिव्यू रिसेंटली एक्टिविटी, जो मतलब हमने एक्टिविटी की है वो इसके अंदर जाके चेक करने वाले हैं कि हमने क्या क्या किया है, कौन सी कमेंट्स किए, किसको लाइक किया या क्या जो है पेज लाइक किया है, कुछ भी इसके अंदर हमने जो किया होगा वो हमें यहाँ पे जो है चेक करवाता है। हमें यहाँ पे जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे अब यहाँ से हमारी ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होगी तो उसके बाद हमें जो है कुछ और स्टेप मिलेंगे, उसके ऊपर हमें जो है सही से उनका जवाब देना है और फिर ये आप हमारी जो फेसबुक की आईडी है वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। इस तरह से अगर आपकी फेसबुक की आईडी के साथ मसला होता है तो आपने जो है सही से उनका जवाब दे के अपनी फेसबुक की आईडी को जो है बहुत आसानी से रिकवर कर लेना है। जैसे ये कंप्लीट होता है मैं इसके अंदर आपको जाके बताता हूँ। यहाँ पे हमें फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो है जैसे यहाँ पे हमें अपनी ईमेल को क्लिक करना है और ईमेल को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो एक नया जीमेल बना लेना है, मतलब पहले ऑलरेडी हमारे पास होना चाहिए वो इसके अंदर हमने ऐड करनी है। जैसे हम यहाँ पे इसके अंदर एक नई जीमेल को ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये बता रहे थे कि आपकी ये ईमेल ऑलरेडी यूज़ की हुई है, तो मैंने फिर एक नई ईमेल लगा दी क्योंकि इसके ऊपर मेरी एक फेसबुक की आईडी बनी हुई थी वो मैंने लगाई, वो नहीं यूज़ हुई, मैंने एक नई बना के लगाई थी वो यहाँ पर जो है यूज़ होगी। अब उसके बाद हमारे पास कन्फर्मेशन कोड आता है इनबॉक्स के अंदर, वो मैंने इनबॉक्स के अंदर कोड चेक करके इसके अंदर जो है लगा दिया है। जैसे आप यहाँ पे जो है इसके अंदर मैं कोड लगाता हूँ तो कोड लगाने के बाद ये मेरी आईडी जो बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है और जो है रिकवरी मोड में आ जाती है। यहाँ पर अभी ये स्टेप भी आने वाला है, रिफ्रेश किया है मैंने और उसके बाद मैंने यहाँ पर तो हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से जो है हम कन्फर्म करें या कोड को देख के यहाँ इसके अंदर इंटर करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर इंटर किया एक नया फेस मुझे जो है यहाँ पे शो हो गया है, उसके ऊपर मैंने जो है आगे जाके जो सेटिंग की आप इस तरह से जो है कर सकते हैं। कन्फर्म करने के बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप आता है मैं आपको जो है बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। तो अब यहाँ से मैंने जो अपना जो सही मेरा बर्थ है वो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, फिर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया है और यहाँ पर मैंने जो है कुछ फ्रेंड्स को जो है ऐड किया था ऑलरेडी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इनमें से किन फ्रेंड्स को जो है ऐड नहीं किया, तो मैंने ऑलरेडी इन सबको जो है ऐड कर रखा था। तो मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैंने एक दो कमेंट्स जो है डिलीट किए हैं, वो भी ये कह रहे थे कि प्लीज़ डिलीट रिसेंट कमेंट्स। तो यहाँ से मैंने एक दो कमेंट जो है वो डिलीट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया है और यहाँ पर गो टू न्यू फीड्स पे क्लिक किया है तो मेरा जो है फेसबुक बिल्कुल सेट हो गया है। आईडी आप बिल्कुल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सही तरह से चल रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला आता हो तो आप आसानी से इस तरह से सारी सेटिंग करके जो है हल कर सकते हैं।